हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में। और आज बन रही है मीठी मीठी खीर। होली हो या दिवाली, किसी की शादी हो या घर में बच्चा हो या फिर कभी कोई जस्ट ऐसे ही खुश हो, खीर हमेशा बनती बनती है ना। लेकिन हर घर की खीर की रेसिपी ना बहुत अलग होती है, तो चलिए आज आपको रायचंद फैमिली की खीर की रेसिपी दिखाती हूँ। लेट्स बिगिन। खीर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक क्रूशियल स्टेप होती है, वो ये कि राइस को कम से कम हाफ एन आवर सोक करना होता है। एंड आइडियली ना आप छोटे ग्रेन वाले राइस यूज करेंगे तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, जो टेक्सचर होगा खीर का, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ मेरे पास कोलम राइस है, देखिए इस तरह से ये सोक करके मैंने रखा है। बट नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज अपने हाथों से ही उसे थोड़ा सा क्रश कर लूंगी। इसे मिक्सर में मत डालिएगा वरना फिर नहीं बन जाएगी। बट इफ यू वॉन्ट दैट, बनाओ रेसिपी, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लवली, दिस इज डन। चावल टूट गए हैं, इस पानी को ड्रेन कर लेंगे। नाइस। इसके बाद सारा तकड़म होगा इस बर्तन में, जिसका जो बेस है ना ये थोड़ा थिक है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज जब आप चावल को पकाएंगे दूध में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर पतला होगा ना बेस तो दूध जलने का डर होता है। तो चलिए वी आर गोना स्टार्ट विद पोरिंग मिल्क। आइडियली प्लीज टेक होल क्रीम मिल्क, होल फैट मिल्क, बेसिकली मलाई वाला दूध यूज कीजिए। खीर बन रहा है, मलाई तो जरूरी है कि नहीं? चलिए इसे हम पैन में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 इलायची के पॉड्स। अब आपको एक फैमिली सीक्रेट बताती हूँ, यहाँ ना मैं 1 कप पानी डालूंगी, इससे 2 चीजें होंगी, एक तो चावल जल्दी पक जाएंगे, दूसरा दूध कम रिड्यूस होगा, साथ ही खीर बनाने समय दूध के जलने का डर और भी कम हो जाता है। सो लेट्स ऐड द वाटर नाउ। अब बारी है द स्टार ऑफ द रेसिपी की, राइस, जिसे अब मैं डाल दूंगी। लेकिन एक पॉइंट आई होप आपने नोटिस किया, अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप गर्म दूध में चावल को डालेंगे ना तो उसके गांठ बन जाते हैं। तो चावल डालेंगे, हम स्टर करेंगे और साथ ही साथ फ्लेम को ऑन करेंगे। है ना अच्छी एडवाइस? इसी बात पे जरा सब्सक्राइब कीजिए। इट्स अमृता रायचंद, शेफ एंड बियॉन्ड। चलिए इसे डालेंगे अब। इसको बिल्कुल देसी स्टाइल दूध के साथ मिक्स करते करते डालिए, ताकि राइस के ग्रेन्स जरा भी बचे ना। अब इसे मैं स्टर करूंगी एंड साइमल्टेनियसली आई विल टर्न द फ्लेम ऑन। इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहिए। तो मैं जब खीर बनाती हूँ ना, मेरे बेटे अगस्त्य को किचन में बुला लेती हूँ कंपनी देने के लिए, प्लस उसके सारे दिन की रिपोर्ट लेने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। सुबह स्कूल में क्या क्या मस्ती हुई, जो टिफिन मैंने भेजा था, ऑल द किड्स एट इट और नॉट, क्योंकि मेरा टिफिन तो भाई सिर्फ उसके लिए नहीं जाता है, उसके सारे दोस्तों के लिए जाता है। आप टिफिन सीरीज देख रहे हैं कि नहीं? थोड़ा और मैजिक टिफिन ट्रीट्स प्लीज देखिए, और उसका भी फीडबैक दीजिए मुझे, आपकी फेवरेट रेसिपी अभी तक क्या रही है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके, चलिए धुआं आना शुरू हो गया है। नाइस। अब जैसे ही रोलिंग बॉयल आएगा, फिर हम आंच कम करके इसे धीरे धीरे पकने देंगे। देखिए छोटे चावलों को यूज करने का ये भी फायदा होता है, अभी तक तो बॉयल भी नहीं आई है एंड ऑलरेडी चावल पकने लगे हैं। नाइस, देखिए रिग्रेस बॉयल आना शुरू हो गया है। एट दिस पॉइंट मैं फ्लेम कम कर दूंगी, स्टर फिर भी करते रहना है लेकिन कम आंच में। अब आप पूछेंगे भाई कब तक पकाना है? तब तक पकाना है जब तक राइस पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए, और दूध की क्वांटिटी 3/4 ना हो जाए। हाँ, अगर आपने शुरू में पानी नहीं डाला होता ना, तब दूध की क्वांटिटी लिटरली हाफ हो जाती जब तक आपके चावल पकते, फिर आप और दूध डालते उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, क्या होता? वेस्टेज, राइट? एंड दैट्स व्हाई द एडिंग द वाटर ट्रिक इज सो इम्पोर्टेंट।
खीर की खुशबू, वाह। ऑल राइट, वेल, चावल आधे पक चुके हैं। इस स्टेज पे जाएंगे नट्स। मैं डाल रही हूँ काजू, बादाम और पिस्ता, आप जो चाहें डाल सकते हैं। अब मेरे घर में ना नट्स इस स्टेज पे डालते हैं ताकि वो धीरे धीरे पकने लगे एंड जो नट्स की बाइट आए ना वो सॉफ्ट हो। वैसे आप अलग से फ्राई करके घी में भी डाल सकते हैं एज अ गार्निश, एज अ टॉपिंग, बट इन आवर हाउस दिस इज द वे वी डू इट। तो चलिए काजू डालेंगे पहले। हाँ, देखिए नट्स कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे वाइट वाइट खीर में। वैसे आप चाहें तो इसमें सैफरन डाल सकते हैं और फिर वो केसरी खीर हो जाएगा, बट आई एम कीपिंग इट नाइस एंड क्लासिक एंड वाइट। आप जब स्टर करें ना तो साइड्स में जो दूध चिपक रहा है उसे भी साथ साथ स्क्रेप करते रहिए। आफ्टर ऑल हमने होल मिल्क यूज़ किया है तो नेचुरली दूध थोड़ा साइड्स में लगेगा, बट दैट इज़ प्योर मलाई, सो यू डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन इट, राइट? सो कीप स्क्रेपिंग एज यू गो। अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी तो डाल ही नहीं रही है, इतना टाइम हो गया है, चावल भी लग रहे हैं कि पक गए हैं। वेल, चावल ऑलमोस्ट पक गए हैं, बट वी हैवंट येट अचीव द राइट कंसिस्टेंसी। जब पूरी तरह से आपको लगे कि खीर रेडी है, मतलब आप खाने के लिए तैयार हैं, उस स्टेज में आप फ्लेम बंद करेंगे, चीनी डालेंगे, उसे एक स्टर देंगे एंड दैट्स व्हेन योर खीर विल एक्चुअली बी रेडी। तो देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। लुक एट दिस, परफेक्ट कंसिस्टेंसी, चावल पक गए हैं अच्छे से, दूध भी एकदम वेल प्रोपोर्शनड है राइस के साथ। नाउ इट्स टाइम टू टर्न द फ्लेम ऑफ एंड एड द शुगर। अब कई लोग ये स्टेप देख के सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि यूजुअली लोग चीनी डाल के भी खीर को पकाते रहते हैं, बट नॉट इन आवर होम। चीनी डाला, स्टर किया, इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख दिया एंड इट्स रेडी टू सर्व। हमारे यहाँ खीर जब होली में बनती है ना उसके साथ मीठे पोहे ज़रूर बनते हैं। मीठे पोहे की रेसिपी मैंने शेयर की है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए एंड इन दोनों को जब आप एक साथ खाएंगे, वो भी मैंने दिखाया है बाय द वे, यू हैव टू सी द रेसिपी। पोहे में आप डालिए खीर, उसे रोल कीजिए एंड जस्ट बाइट इनटू इट, इट्स हेवन एंड इट्स एक्चुअली परफेक्ट जब आप होली खेल के आएँ और फिर पुआ खीर खाएँ, होली का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। Guys, like and share this video with all your friends and family. And I'm going to share this gear with my entire team. Come guys, bye.